आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। एचआईवी पॉजिटिव जनपद उन्नाव के बागरमऊ इलाके में एक साथ 40 लोगों में एचआईवी पॉजिटिव के लक्षण सामने आए। ये 2017 नवंबर के महीने में एक हेल्थ जांच कैंप लगाया गया, जिसकी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर कई लोगों में एचआईवी पॉजिटिव के लक्षण देखने को मिले। एचआईवी पॉजिटिव के पेशेंट मिलने से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और अब जिले के स्वास्थ्य अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। जनपद उन्नाव के स्वास्थ्य महकमे में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्नाव जिले में बड़ी तादाद में एचआईवी पॉजिटिव के पेशेंट जो सामने आए हैं, जहां पर यूपी सरकार स्वास्थ्य महकमे पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, वहीं उन्नाव के बागरमऊ इलाके के लगभग 40 लोगों में एचआईवी के लक्षण मिलने से जिले से लेकर लखनऊ तक स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ऐसी जानकारी मिली है कि गांव का ही एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा कई लोगों का इलाज किया गया और उनको एक ही सिरिंज से कई लोगों को इंजेक्शन दिए गए, जिससे ये बीमारी लोगों के शरीर में प्रवेश कर गई। वहीं गांव के लोगों का मानना है कि अभी तो कुछ ही लोगों का चेकअप हुआ है, जिससे ये अभी तक ये बीमारी लगभग 40 लोगों में देखने को मिली है और भी लोगों का चेकअप कराया जाए तो इसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं जब इस पूरे मामले में बागरमऊ के पीएससी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक जांच कैंप में ये एचआईवी पॉजिटिव के रोगी सामने आए। लगभग 22 लोगों की ही स्वास्थ्य महकमे ने पुष्टि की है और अभी भी इस लाइलाज बीमारी को बांटने वाले आरोपी से स्वास्थ्य महकमे अनजान है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के इस अधिकारी का कहना है कि अभी इसकी जांच जिले बड़े डॉक्टर को आला अधिकारियों द्वारा दी गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव है। अभी सेंटर मतलब जांच आई थी, यहाँ जांच हुई और इसमें जो है लगभग हमारे गांव में मोहल्ले में 38 मरीज पड़े। अभी फैलने क्या कारण है यहाँ? वही झोला छाप डॉक्टर। क्या झोला छाप डॉक्टर? मतलब 10 रुपये में जो है इस सिरिंज का इस्तेमाल कई आदमी के करता है, दवाई भी देता था और सिरिंज भी लगा देता था। वही जो एचआईवी पीड़ित पाए गए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है? बस यहाँ से जो है आरटी सेंटर रेफर किया जा रहा है, दवाई वहीं से चली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद मुन्ना नाम है हमारा। यहाँ पे एचआईवी के मरीज पाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, टीम आई थी डॉक्टरों की, उसने जो है जाँच किया तो 38 मरीज पाए गए हैं। कैसे वो एचआईवी फैला यहाँ पे, क्या कारण है? अरे यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर बैठता था, उसी ने जो है एक ही सिरिंज से सबके सुई लगाई है। और जो अब मरीज पाए गए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कौन सी मदद हो रही है? सरकार की तरफ से जो है उनकी जांच हुई थी और बोले कि जो है यहीं के पड़ोस के यहीं हसनगंज में कहीं पे उनका अस्पताल है, तो वहाँ बोले कि वहाँ आओ, वहीं से इलाज होगा आप लोगों का। जिले से एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं, प्रेमगंज, किरमिद्दीनपुर और शिकुयापुर में कैंप लगा के स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कि कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए। 21 केस कंफर्म हो चुके हैं और आगे का प्लान जैसा होगा वैसे फॉलो किया जाएगा। ये अभी कोई है नहीं, अभी कार्रवाई क्रिया आदेश आया। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।